यह वीडियो सांपों को लोगों के बीच से सुरक्षित पकड़कर गांव से दूर छोड़ने के दौरान बनाई गई है। इस वीडियो का मकसद लोगों को सांपों के प्रति जागरूक करना है तथा सांपों के बारे में जानकारियां पहुंचाना है, ताकि लोग इन्हें अपना दुश्मन समझकर मारे नहीं अपितु इनकी रक्षा करें, क्योंकि हमारे पर्यावरण के लिए सभी जीवों का होना बहुत ही जरूरी है। नमस्कार, मैं सतेंद्र शर्मा फ्रॉम बुलंदशहर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास कॉल आई थी हमारे गांव से ही कि हमारे गांव के कुएं के अंदर एक सांप देखा गया है। चलो उसको हमें रेस्क्यू करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इस कुएं के अंदर सांप देखा गया है, तो मैं इस कुएं के अंदर उतर कर उस सांप को रेस्क्यू करने की कोशिश करूँगा और इसे बाहर निकाल कर आपको इसके बारे में कुछ जानकारी दूँगा। तो कृपया इस वीडियो को ध्यान से देखें और ध्यान से सुने, जिससे कि आपको इस सांप के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो देखिए, मैंने अभी इसके अंदर देखा है कि कॉमन क्रेत है, जो कॉमन है, लगभग हर जगह पाया जाता है। तो चलो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं और उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, ये आपके सामने ये एक कॉमन करेत है, जिसका हिंदी में नाम करेत है, और इसको एक साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब ये काटता है तो किसी को इसके काटने का आभास नहीं होता। जैसे कोई चींटी काटना या मच्छर के काटने जैसा आभास होता है, तो इसे काटने का पता भी नहीं लगता है। और दो घंटे के बाद, जब इसके काटने के दो घंटे के बाद पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है और उल्टी पड़ने लगती है, तो इसके यही लक्षण है। तो चलो इसको हम यहाँ पर इस कट्टे के अंदर डाल लेते हैं और एक सुरक्षित जगह पे इसको जाकर रिलीज़ कर देंगे, जहाँ इसे अच्छा खाना पानी मिल सके और सुरक्षित तरीके से रह सके। तो चलो मिलते हैं रिलीज टाइम पर। हेलो दोस्तों, मैं स्नैक फ्रेंड सत्येंद्र शर्मा। आज सुबह कॉल आई थी और कॉल आने पर मैंने देखा जाके एक हमारे गाँव में एक ट्वेल के अंदर था ये सांप, जिसका नाम कॉमन करेत है। मैंने इसको रेस्क्यू किया और अब इसको रिलीज करने आए हैं, और ये बहुत ही ख़तरनाक सांप माना जाता है दोस्तों। और ये रात के समय में इसकी मूवमेंट होती है, और ज़्यादातर जितनी उनके काटने से इसकी जो है इसके काटने से उनकी मौत होती है। और एक बार आपके सामने है, देखिए ज़रा क्लियर है। अब इसके प्रकृति प्रवेश में इसको रिलीज कर दिया जा रहा है, ताकि अपनी ज़िंदगी आसानी से जी सके और सांपों को ना मारें। यही मेरी हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि हमारे पर्यावरण के रक्षक हैं, और ये चूहे और जितने गिरगिट मेंढक वगैरह सब खाकर अनाज और हमारे धान को बचाते हैं। इसी के साथ इसको रिलीज करते हैं। आइए,
तो इसकी पहचान के लिए आप देख सकते हैं कि ये पूरा ब्लैक रंग का होता है, नीचे सफ़ेद होता है और शरीर के ऊपर दोहरे पट्टे में सफ़ेद पट्टियाँ होती हैं, तो ये इसकी पहचान है। और ये कोबरा से 5 गुना तेज जहर वाला सांप है। ये टाइम इसके लिए बहुत ही अच्छा है, नाइट की मूवमेंट करने वाला है और यहाँ इसके रहने के लिए अच्छी जगह है। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश।